Hi everyone, this is your Fezzy Freak. This is the all new 2021 Ford Aspire Titanium Plus variant, जो कि Aspire का top end variant है. And the good news is, अब Aspire आपको 6-speed automatic torque converter transmission के साथ भी available की गई है. Same transmission जो कि कुछ दिन पहले Figo में भी launch किया गया. Pricing मैंने description में mention कर दी है. तो चलिए अब जानते हैं Aspire Titanium Plus automatic variant को सारे ही details के साथ. So, ये रही गाड़ी की कीज. इस वेरिएंट में आपको स्मार्ट की दी गई है विद दिस सेंट्रल लॉकिंग के लिए कंट्रोल्स एंड बूट को भी आप यहीं से अनलॉक कर सकते हो. अब चलते हैं टुवर्ड्स दी फ्रंट प्रोफाइल. काफी क्यूट सा फ्रंट प्रोफाइल आपको मिलेगा. ये रही प्रीमियम सेलुलर ग्रिल विद दिस क्रोम सराउंड. बीच में ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है. बेटर एयर इनटेक में भी डेफिनेटली मदद करेगी फोर्ड का लोगो. बोनेट पे भी आपको काफी अच्छे कर्व्स एंड क्रीजेस देखने को मिल जाएंगे. ऑल्सो इस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए जाते हैं. ब्लैकआउट आपको यहाँ पर हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप मिलेगा विद वेलकम फंक्शन. टर्न इंडिकेटर्स वो भी आपको यहाँ पर हैलोजन ही दिए जाते हैं. नीचे की तरफ फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट दी गई है जो कि हैलोजन है ऑफ कोर्स. क्रोम ट्रीटमेंट एंड ब्लैकआउट आपको यहाँ पर कंप्रेसर ग्रिल दी गई है फॉर बेटर एयर इनटेक. एंड ये रहा टो हुक इन केस ऑफ टोइंग. एंड गाइज, नाउ टॉकिंग अबाउट दी डायमेंशंस, तो फोर्ड एस्पायर प्रोवाइड करती है 3.9 मीटर्स की लेंथ, 1.7 मीटर्स की विड्थ, 1.5 मीटर्स की हाइट एंड 2.4 मीटर्स का व्हील बेस. साइड प्रोफाइल की तरफ आ ही चुके हैं. तो इस वेरिएंट में आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया गया है. डिजाइन वाइज डेफिनेटली आपको बेहतरीन लगेंगे. 195/55R15 प्रोफाइल के टायर्स दिए जाते हैं. फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड किए गए हैं. साथ ही में 174 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा एस्पायर के साथ. फेंडर्स पे ये क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी. And these are electrically adjustable and foldable ORVMs with turn indicators की placement. B pillar पे आपको black finish दी गई है. साथ ही में glass area भी काफी अच्छा है. Door handles आपको यहाँ पर body color ही दिए जाते हैं. And ये Ford Aspire का white gold color है जो काफी खूबसूरत लग रहा है. इस color के अलावा आपको 4 color options दिए जाते हैं. Coming towards the rear profile, तो यहाँ पर आपको single unit में halogen tail lights का setup मिलेगा with turn indicators and reverse parking lamp. क्रोम ट्रीटमेंट जो काफी प्रीमियम डेफिनेटली लगेगी. बीच में दिया गया है फोर्ड का लोगो. नीचे की तरफ आपको की होल भी दिया जाता है. एंड ये रही टाइटेनियम वेरिएंट की बैजिंग. ड्यूअल टोन फिनिश में आपको बम्पर मिलेगा. ब्लैक फिनिश में दिया गया है डिफ्यूजर. चारों ही पार्किंग सेंसर्स ऑफ कोर्स जो कि मैंडेटरी है. एंड यहाँ पर आपको फेक एयर कर्टन्स भी देखने को मिल जाएंगे. रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है. एंड क्वालिटी वाइज भी ये कैमरा काफी अच्छा है. और एक चीज, रियर विंडस्क्रीन पर आपको यहाँ पर डिफॉगर विद टाइमर मिल जाएगा. वाइपर्स ऑफ कोर्स सेडान में आते नहीं है. एंड ऊपर की तरफ आपको हाई स्टॉप लैंप माउंट भी दिया जाता है. अब बारी है ओपन करने की गाड़ी के बूट को टू चेक आउट दी बूट स्पेस. तो यहाँ पर फोर्ड एस्पायर आपको प्रोवाइड करेगी 359 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि मोर देन सफिशियंट है. काफी अच्छा खासा सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा. अपलिफ्ट भी ज्यादा हाई नहीं है. एंड स्पेयर व्हील की माउंटिंग आपको इस कवर के नीचे मिलेगी जो कि सैडली 1 इंच छोटा है. यानी कि 14 इंच का स्टील व्हील आपको दिया गया है एज अ स्पेयर जिसका प्रोफाइल है 175/65R14. सो लगभग सारी कंपनीज ये कॉस्ट कटिंग करती है तो ज्यादा शिकायत नहीं होगी. स्क्रैच गार्ड ताकि बैग्स रखते वक्त या उन्हें निकालते वक्त स्क्रैचेस ना आए. एंड फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लेट मी टेल यू, फोर्ड एस्पायर ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 3 स्टार्स की रेटिंग हासिल की है. अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर. तो एस्पायर के साथ आपको ड्यूअल टोन फिनिश में इंटीरियर्स दिए जाते हैं जिसे कि फोर्ड सैंड प्लस ओक लाइट एनवायरनमेंट थीम कहता है. बेसिकली बेज फिनिश. रूमी केबिन आपको डेफिनेटली फील होगा ड्यू टू दिस इंटीरियर्स. स्पेस भी काफी अच्छी रियर में प्रोवाइड की जाती है. पीछे की तरफ पार्सल ट्रे. फैब्रिक अपोस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी विद दिस डिजाइन एलिमेंट. सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल. अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा. दोनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लेकिन बीच में आपको आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा. इंक्लाइन एंगल इन सीट्स का काफी अच्छा है. तीनों ही पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट एंड आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी आपको दिए जाएंगे. 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ जाएंगे. लेग स्पेस भी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड की जाती है. साथ ही में अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाएगा. डोर पैड्स भी आपको बेज फिनिश में मिलेंगे विद सम ब्लैक एलिमेंट्स. यहाँ पर थोड़ी फैब्रिक फिनिश फॉर प्रीमियम अपील. कॉइन होल्डर. पावर विंडो के लिए स्विच दी गई है. नीचे की तरफ पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट जो काफी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम डेफिनेटली लगता है. पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में आपको इंटीरियर डोर हैंडल भी मिलेगा. नीचे की तरफ स्पीकर के लिए स्पेस, लेकिन यहाँ पर डोर पॉकेट्स नहीं दिए जाते जो कि डेफिनेटली मिलने चाहिए थे. ग्लास एरिया भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है. एंड अप चलते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट. तो रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट एंट्री डेफिनेटली दी जाती है. साथ ही में डोर्स काफी वाइड ओपन होते हैं.
फॉर इजी इनग्रेस एंड आउटग्रेस। ये रहा डुअल टोन फिनिश में डैशबोर्ड लेआउट जो काफी प्रीमियम डेफिनेटली लगता है। एंड उसी के नीचे सबसे बड़ा चेंज आपको दिख रहा होगा जो कि है ट्रांसमिशन, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। डोर पैड्स आपको फ्रंट में भी बेज फिनिश में मिलेंगे विथ दिस ब्लैक एलिमेंट्स जो काफी प्रीमियम लगता है। ग्लास एरिया भी काफी अच्छा मिलेगा। ये रहे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM के लिए कंट्रोल्स। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट का भरपूर यूज मिलेगा। फैब्रिक फिनिश दी गई है फॉर प्रीमियम फील। चारों ही पावर विंडो के लिए स्विच, रियर विंडो लॉक करने के लिए भी स्विच दिया गया है। एंड नीचे डोर पॉकेट्स आपको काफी बड़े मिलेंगे, पीछे के डोर पॉकेट्स को भी यहीं पर ऐड कर दिया गया है। साथ ही में सीट्स जैसे कि मैंने कहा आपको फैब्रिक मिलेंगे बेज फिनिश के साथ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। सुप्रीमली कंफर्टेबल ये सीट्स है अनडाउटेडली। साथ ही में यहाँ पर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट भी दिया गया है, स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। हियर वी आर इन द इंटीरियर ऑफ फोर्ड एस्पायर। सबसे पहले बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर आपको 3-स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दी गई है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ऑब्वियसली नहीं आएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिकेटर्स के लिए कंट्रोल्स, एंड यहाँ पर आपको वाइपर्स के लिए कंट्रोल्स दिए जाते हैं। अब जो डैशबोर्ड लेआउट है आपको सेम फिगो वाला ही दिया जाएगा, लेकिन बेज एंड ब्लैक फिनिश में ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। फिगो का आपको स्पोर्टी लगेगा एंड एस्पायर का प्रीमियम लगेगा। खैर, यहाँ पर दिया गया है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद दिस क्रोम सराउंड, एंड यहाँ पर आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि फिगो में भी आता है, यानी कि एनालॉग कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट होगा। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर, एंड यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको MID इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन दी गई है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी पैक की गई है। यह है 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। अब यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इस वेरिएंट में नहीं दिया जाता जो कि मिलना चाहिए था। खैर, काफ़ी स्लीक टू यूज़ टच स्क्रीन आपको लगेगी, हालांकि ये काफ़ी बड़ी नहीं है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट का स्लीक टू यूज़ है, कहीं पर भी लैग फील नहीं होगा। साथ ही में आपको यहाँ पर इनबिल्ट नेविगेशन का सिस्टम भी दिया जाएगा। एंड साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो कंपास, FM दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्ट है या डिसकनेक्ट वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, मीडिया, रेडियो, फोन, नेविगेशन एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको यहाँ पर साउंड सेटिंग्स दी गई है, कहाँ पर आपको ज़्यादा नॉइस रखनी है या साउंड रखना है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देन क्लॉक आपको मिलेगा, डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हो जो कि रात के समय में काफ़ी यूजफुल होता है। अगेन यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स मिल जाएंगी सारी ही। सो ओवरऑल टच स्क्रीन की बात करो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन साइज थोड़ी छोटी डेफिनेटली आपको लगेगी। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ हुआ है, काफ़ी प्रीमियम ये लगता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेंगे फॉर योर इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। साथ ही में नीचे की तरफ हैजर्ड बटन। यहाँ पर आपको AC वेंट्स का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम डेफिनेटली फील होगा, एंड AC ज़बरदस्त है इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको स्पेस दी गई है, मोबाइल फ़ोन तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, लेकिन वॉलेट यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही में नीचे की तरफ यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB पोर्ट, एंड यहाँ पर आपको ऑक्स के लिए भी पोर्ट दिया जाता है। एंड ये रहा 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर जो कि यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है। PR NDS मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड साथ ही में आप मैनुअल शिफ्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स स्विचेस दिए जाएंगे फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन या मैनुअल कंट्रोल। उसी के अलावा पीछे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी स्टोरेज स्पेस। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया जाता है जो कि अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। यहाँ पर 2 कप या बॉटल रखने के लिए स्पेस दी गई है। रियर सीट्स के लिए भी या रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी, 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर आ जाती है। क्रोम ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर AC वेंट्स के सराउंड में भी मिलेगा। अगेन बात कर लेते हैं ग्लोबॉक्स की, तो डिसेंट साइज का ग्लोबॉक्स आपको यहाँ पर दिया जाता है। क्वालिटी की बात करें, ऑफकोर्स हार्ड प्लास्टिक्स मिलेंगे, लेकिन यू कैन सी द लेवल ऑफ फिट एंड फिनिश, जबरदस्त फिट एंड फिनिश यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यह है डे नाइट मैनुअल IRVM। रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ पर हैलोजन मिलेंगे, ऑफकोर्स माइक्रोफोन के लिए प्लेसमेंट। सनवाइजर पे आपको ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर नहीं आता है। सिमिलरली बात करते हैं पैसेंजर साइड सनवाइजर की, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद दिस एयरबैग वार्निंग। साथ ही में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs दिए जाते हैं जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड की गई है। सीट्स डेफिनेटली कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। अल्सो विजिबिलिटी आपको बेहतरीन मिलेगी, विंडशील्ड जो है गाड़ी की वो काफ़ी बड़ी है, तो फीचर लोडेड गाड़ी तो है ही।
कुछ एक दो फीचर्स यहाँ पर मिसिंग आपको जरूर लगेंगे, बट स्टिल इट्स ओवरऑल अ वेरी वैल्यू फॉर मनी पैकेज। सो गाइस, यहाँ पर इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात तो हो गई, अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंजन कंपार्टमेंट। वैसे तो एस्पायर आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल की गई है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो ये रहा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 1200 सीसी टीआई वीसीटी पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 96 पीएस की पावर एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पहले ये इंजन आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल किया गया था, लेकिन अब आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी अवेलेबल किया गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन रिफाइनमेंट लेवल आपको काफी अच्छे मिलेंगे, साथ ही में परफॉर्मेंस के लिए भी ये इंजन जाना जाता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी सेफ्टी फीचर्स, तो एस्पायर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट आपको प्रोवाइड करेगी 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, हाई स्पीड अलर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड रियर पार्किंग कैमरा, इंजन इमोबिलाइजर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स। ऑल्सो एस्पायर के साथ आने वाले सारे ही कलर ऑप्शंस मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड ये वीडियो फर्स्ट ऑन यूट्यूब है ऑटोमेटिक वेरिएंट का, तो इसे शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा फेजी फ्रिक को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।